तो चलिए बनाते हैं एक यूनिक स्टाइल का चिकन फ्राई। चिकन को हमने अच्छे से मैरिनेट करके रख लिया था 2 घंटे के लिए। मैरिनेशन में हमने अदरक, लहसुन, हल्दी, नमक, मिर्ची, 1/2 लेमन जूस, 1 टेबलस्पून ऑयल, 1/2 कप इमली का जूस डाल के अच्छे से मैरिनेट कर लिया है, अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक पैन में ऑयल हीट करिए। तेल हल्का सा गर्म होने के बाद हम इसमें ग्रीन चिली और लहसुन ऐड कर देंगे। हल्का सा सॉटे कर लेंगे। साथ ही हम इसमें फ्राइड ब्राउन अनियंस ऐड कर देंगे। लो फ्लेम पर हल्का सा सॉटे कर लेंगे। करी लीव्स ऐड कर देंगे। अब हम मैरिनेटेड चिकन ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद 50 ग्राम्स ऑफ बटर ऐड कर देंगे। गिव इट अ गुड मिक्स। ढक्कन ढक के इसे पकने के लिए छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। लेट्स चेक। ये देखिए अभी इसमें पानी काफ़ी बाकी है, तो हमें ये पानी को थोड़ा सा ड्राई आउट करना है। तो अब हम इसका ढक्कन हटा देंगे और बगैर ढक्कन के ही इसे पकाएंगे जब तक इसका पानी रिड्यूस हो जाए। और साथ ही इस पॉइंट पे हम 1/2 टीस्पून गरम मसाला भी ऐड कर देंगे और थोड़ा सा कोथमीर ऐड कर देंगे, सो दैट इसके साथ पक्के अच्छा सा फ्लेवर छुटे इसमें। लास्ट में और थोड़ी कोथमीर ऐड करेंगे हम। देखिए पानी अच्छे से रेड्यूस हो चुका है चिकन का और हमारा फ्राई चिकन ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इस पॉइंट पर नमक और मिर्ची चेक कर लेंगे और अगर नमक और ऐड करना है तो ऐड कर लेंगे, मिर्ची ऐड करना है तो ऐड कर लेंगे। नमक इसका बराबर है। थोड़ा सा मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर लूँगी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पाइस के लिए और रेड चिली पाउडर ऐड कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा और हम फ्राई कर लेंगे चिकन को अच्छे से। ये देखिए फ्राइड चिकन बिल्कुल तैयार है, रेडी टू सर्व, रेडी टू डिश आउट। ये देखिए फ्राइड चिकन बिल्कुल तैयार है, रेडी टू ईट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।